रविंद्र जी, एक छोटी सी बात अगर अनुमति हो सबकी, तो जो इस विषय से थोड़ा मतलब जी। एक छोटा सवाल है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मुकेश जी, अगर उस पर प्रकाश डाल सकें तो मुझे हर्ष होगा कि हमारे विरोधी यानी दक्षिणपंथियों के पास, फासीवादियों के पास प्रोपोगंडा का एक बड़ा हथियार होता है और उसका बीज उनके पास एक नरेटिव होता है। तो वो कहानी उनके पास है जिसको वो जबरदस्त प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। क्या हमारे पास इसकी प्रतिक्रिया में कोई छोटी सार्थक सबके समझ में आने वाली कहानी है? उनके पास तो राम है और वो एक एक हीरो बनाते हैं, एक 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 कहानी उन्होंने बनाई जिसका सर पैर है, और किसी भी नई चीज को वो उस कहानी के साथ जोड़ने में सफल हो जाते हैं, इसलिए लोग कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं या पलट जाते हैं। जबकि हम ये कहते रहते हैं कि वो रावण है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी कोई कहानी है जो आम आदमी को ये समझाए कि हाँ भाई, ये रावण है, इसकी केंद्रीय जो इसका सर है या इसका जो अमृत कुंभ है वो ये है कि कॉरपोरेट्स को फायदा देना है सत्ता के गठजोड़ से, और फिर ये इसका सर है कि इसने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए संस्थाओं को कमजोर किया है। तो एक तरफ तो हम उनको निर्बुद्ध मानते हैं, हम मानते हैं कि कल्पनाशीलता कम है। कल्पनाशीलता के दृष्टि से मुझे लगता है हमारी दिशा में लोग बहुत सारे हैं। तो इस कल्पनाशीलता के बावजूद भी क्या हमारे पास एक अच्छी कहानी है जो जैसा कि जलेश्वर जी ने कहा कि हम चिन्हित भी नहीं कर पाते या कर पा रहे हैं, से लेकर दूसरी बात कि आम आदमी को कन्विंस करना, या हम जो कहते हैं अभी भी प्रतिरोध में, प्रत्युत्तर में हम कहते हैं, या हमारा आइडिया है जिसको जनता जिसका जिसके समर्थन में नहीं है, कि नेहरूियन या इंदिरा गांधी वाले दौर की वापसी या उन मूल्यों की स्थापना की बात। तो ये कहानी क्या हमारे पास है, और नहीं तो क्यों ना हम ये जिम्मेदारी लें किसी स्तर पर कि ये कहानी बुनने में हम कुछ सहयोग या इस दिशा में सोचें। जी, मैं कुछ कहूं। मैं कुछ कहूं। ये कहानी की बात है तो मैं ये कह रहा था, कहानी है अपने पास। जैसे हम ये मान कहानी एक करते कैपिटलिस्ट हैं, प्रोडक्ट है। बाय द वे, कहानी नाम की चीज जिसका एक शुरू, एक मध्य और एक अंत होते हैं, वो कैपिटलिस्ट माने एक टूल है। जी, मैं वो उस अर्थ में नहीं कह रहा, अनिर्बन उस अर्थ जी, में मैं नहीं कह अब रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं। इतना इसको शशि जी को बोलने दीजिए, और उसके बाद जो है आदित्य जी बोलेंगे, और उसके बाद इरफान जी बोलेंगे। तो इसको हम एक क्रम बनाए रखें और हमें सुनते भी रहें, बीच बीच में ना टोका टाकी दिया। तो मैं ये कह रहा था कि अगर राम की कहानी है तो बुद्ध की कहानी भी है इसी देश में, और बुद्ध की कहानी को हराकर ही राम की कहानी पैदा की गई। सब जानते हैं कि जो भगवत गीता है, जिसको महाभारत का एक अंश माना जाता है और महाभारत को धर्मयुद्ध माना जाता है, उसका क्या आदर्श है? गीता का आदर्श क्या है? कि एक आत्मा है जो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जन्म लेती है बार बार, फिर अगला जन्म लेती है, उसको स्वर्ग मिलता है। और धम्मपद ये कहता है कि कोई आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। और पुरानी सारी कहानियां ये बताती हैं कि बौद्धों का जो संहार हुआ इस देश में, बुद्ध विचार क्या है? सभी मनुष्य बराबर हैं। हिंदू विचार क्या है? कि मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। तो वही तो बात है, जैसे हम वाल्मीकि को कभी ऋषि मान लेते हैं और फिर हम ये भी मान लेते हैं कि वो दलित होकर इतने बड़े ऋषि बने और उन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा। लेकिन जब आप राहुल सांकृत्यायन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पतंजलि हो या कि वाल्मीकि हो, ये तो दरबारी थे और ये उसी ब्राह्मण धर्म की स्थापना पर लगे हुए थे जो ब्राह्मण धर्म बौद्धों को खत्म कर रहा था। और बौद्धों को खत्म करने का मतलब ये था कि जो समाज में बराबरी का विचार है, मनुष्य के सारे बराबर होने का विचार है, उसको खत्म कर रहा था। और कर दिया उन्होंने, धीरे 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 खत्म कर दिया। और आप देखें कि आज फिर उसी तरीके से खत्म कर रहे हैं। ये भारत में भक्ति आंदोलन हुआ जिसमें रैदास हुए, रामानंद हुए, कबीर हुए, इन्होंने यही तो कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर ने तब कहा, उसकी एक शशि जी, कहानी शशि जी, लेकर आए।
तो मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं एक बात अब कह देता हूँ जो इससे जुड़ी हुई थी, तो वो चीज है अपने पास एक समृद्ध विरासत। मेरा कहना ये था कि लोकतंत्र समाज में कम क्यों है, और फासीवाद के बारे में जितना मैंने समझा है और जो आज की पूरी चर्चा थी, तो ये चर्चा अगर पब्लिक कर दी जाए तो ये तो केवल निराशा फैलाएगी। मेरा कहना ये है कि पूंजीवाद ही फासीवाद पैदा कर रहा है, फासीवाद एक बुराई है पूंजीवाद की, और पूंजीवाद है असल शत्रु और उसका शासन है फासीवाद। यानी पूंजीवाद एक ऐसा शासन चुनता है जो लोकतंत्र खत्म कर देगा, प्रतिनिधित्व खत्म कर देगा, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर देगा, और पूंजी को, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है और जितना मुझे मालूम है, हर संपत्ति पूंजी नहीं है। पूंजी वो है जो किसी उत्पादन में लगाई जाती है और फिर वो पूंजी पैदा करती है, वो पूंजी है। हमारा खेत थोड़े पूंजी है, हमारी संपत्ति है वो। संपत्ति और पूंजी में फर्क है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सवाल ये है कि लोकतंत्र कम क्यों है। लोकतंत्र कम इसलिए है क्योंकि उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। जब प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो लोकतंत्र बढ़ेगा। और भारत में प्रतिनिधित्व कैसे बनेगा? जैसे अभी किसी ने कहा कि ये जो फासीवाद है वो बिल्कुल वैसा ही है, यानी जैसा जर्मनी में था मुसोलिनी और हिटलर के समय था, लेकिन हमको लड़ने के लिए नेहरू और गांधी के पास नहीं जाना होगा। सही बात है। फिर किसी ने ये कहा कि ये जो पूंजीवाद है इसके लिए हमें मजदूरों को और किसानों को एक साथ करना होगा और साथ में लाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब इस देश में आजादी के बाद से इतने सालों तक जब आबादी का जातिगत विवरण दिया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में आया कि 50% ओबीसी हैं और वो शासन में कितने प्रतिशत है? 13% अनारक्षित लोग हैं और 50% ओबीसी लोग हैं, और अगर 13% लोग सभी प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं तो ये कौन सा लोकतंत्र है? और अगर मर्दवाद और पितृसत्ता फासीवाद लाता है तो पितृसत्तात्मक समाजों में उस तरह के जेनोसाइड क्यों नहीं हुए? किस तरह का शासन है जो इस दुनिया ने नहीं देखा है? कई बार हम बहुत भोलेपन का शिकार हो जाते हैं कि बहुत बर्बर युग आ रहा है। हमने कबीले देखे? जब राज्य नहीं था वो दौर भी देखा दुनिया ने। राज्य नहीं था का मतलब एक कबीला था, परिवार था, अपने लोगों को पालता था, उनकी दवाई का, पुलिस का, सबका इंतजाम परिवार करता था। आज वो काम राज्य कर रहा है। तो लोकतंत्र बढ़ेगा प्रतिनिधित्व से। और भारत का जो वामपंथ है, तो अगर हम ये मान लें कि ये वही फासीवाद है जिसके बारे में हमारे वामपंथी दल कंफ्यूजन में इसमें हैं, जहां तक मैं लोगों से बात करता हूं, जैसे कोरोना की बात हुई कि अभी सरकार ये नहीं मान रही है कि आप कोरोना से मरे हैं कि नहीं मरे हैं। वो इसलिए नहीं मान रही कि आप कोरोना से मरे हैं कि नहीं मरे हैं क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा 4-5 लाख रुपए, तो वो आपको कोरोना संदिग्ध बता रही है। हमारे वामपंथी दल अगर ये मान लें, जैसा जलेश्वर जी शुरू में कह रहे थे कि ये फासीवाद आ चुका है, तो फिर इनको एक संयुक्त मोर्चा बना लेना चाहिए। लोग पूछने लगेंगे कि अगर फासीवाद आ चुका है तो आप कब बना रहे हैं संयुक्त मोर्चा? तो वो ये कहते हैं कि नहीं अजी, अभी हम देख रहे हैं कि ये फासीवाद ही है कि नहीं है, तो वो देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये कोरोना मृतक ही नहीं है पूरी तरीके से, तो हम इसको कैसे मुआवजा दे दें? और ये जो संकट है, ये वही संकट है कि आगे कौन बढ़े, किसको आगे जिम्मा लेना पड़े। सांस्कृतिक रूप से भी हमें जिम्मा लेने पड़ेंगे। जैसे जब कोई व्यक्ति, मैंने ऐसे ही मजाक में ये कहा कि जब कोई कबीर का पद गाता है, जैसे वो प्रभास जोशी भी सुनते थे, कुमार गंधर्व उसको गाते थे, निर्भय निर्गुण रेगुण गाऊंगा, तो कहने का मतलब ये है कि जो पूंजीवाद की विकृति है फासीवाद, उसमें यही तो होता है कि लोगों को बराबर नहीं माना जाता, उनको जेंडर में बांट दिया जाता है। फिर जेंडर तो अपने यहाँ थर्ड जेंडर भी है। आप बता दीजिए, भारत का ऐसा कौन सा किन्नर है जो बलात्कार का शिकार नहीं हुआ है? आप उनकी कहानियां सुनेंगे तो आप दहल जाएंगे अगर किन्नर अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर देंगे। ना उनको औरत माना जाता है, ना उनको मर्द माना जाता है। क्या गुनाह है उनका पैदा होना? गुनाह है क्या इस दुनिया में? तो जब एक समता मूलक समाज पहले सांस्कृतिक रूप से हमारे भीतर आएगा, भावनात्मक रूप से हमारे भीतर आएगा, उसके बाद जो समाज बनेगा, उस समाज में हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि उनमें सबको प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। वरना ये साहब बाबू और ये अनिर्बान जी कह रहे हैं अपनी जगह ठीक है, पर उसके पीछे की भी
एक कहानी यह है कि राम का इस्तेमाल कबीर भी करते हैं और कहते हैं राम नाम को मर में आना, और तुलसी उनसे लड़ते हैं कि तुम जो कहा राम को आना। हमारे हमारी जो सांस्कृतिक शब्दावली है, हमारी जो जीवनचर्या है, कोई हमारा भाई है वो बड़ा है तो अगर हम उसको साहब कह दिए, भाई साहब कह दिए, तो इससे कौन सा हम फांसीवादी हो गए? हो सकता है होते हो, सामंती मनोवृत्ति आती हो, उसको भी हम ठीक कर लेंगे, लेकिन सवाल प्रतिनिधित्व का है और ये मुद्दा आया था कि प्रतिनिधित्व जब तक नहीं बढ़ेगा। दिलीप मंडल जी से मैं भी असहमत रहता हूँ, भयंकर असहमत रहता हूँ, और उनके विचार कबीलाई हैं कई मामलों में। यानी ये लोग ये तक वकालत करने लगते हैं कि अगर आपने फला नेता को लूटने का अवसर दिया तो लालू जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए, मायावती जी को क्यों वही अवसर नहीं मिलना चाहिए। हमारा कहना ये है कि आप क्या बुरे बनने के लिए बुरे से लड़ रहे हैं या आप अच्छे रहते हुए किन्हीं अच्छी व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं? तो मेरा कहना केवल यही था कि हम लोग निराशा न फैलाएं, मतलब हम जाने कि क्या संकट हैं, लेकिन उनसे निपटने के उपाय भी बहुत छोटे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कल बहुत बड़ा आंदोलन कर दूंगा और बहुत बड़ी क्रांति पैदा हो जाएगी उससे, लेकिन मैं समझ तो रहा हूं कि छोटे छोटे उपाय ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति, मतलब छोटे छोटे प्रोत्साहन, एक व्यक्ति गाना शुरू करता है, जैसे एक व्यक्ति त्रिशूल बांटता है समाज में, और वो त्रिशूल इसीलिए बांटता है क्योंकि वो उस पूंजी पर कब्जा कर सके। यहां तक कि हमारे समाज में ये भी कहा जाता है कि विवाह भी संपत्ति के विकेंद्रीकरण को रोकने की एक बहुत बड़ी युक्ति है। अंतरजातीय विवाहों को क्यों रोका जाता है? इसका मतलब ये थोड़े कि वो नफरत ही करते हैं। नफरत ही मसला नहीं है, संपत्ति का भी मसला है। किसी घर की लड़की आएगी तो हमारे घर की संपत्ति का हकदार हो जाएगी, मसला तो संपत्ति का ही है। तो अगर कोई त्रिशूल बांटता है राज में आने के लिए, तो हम वैसे राज को कमजोर करने के लिए बांसुरी क्यों नहीं बांट सकते? और ये कहां से खराब बात है कि हम संगीत की बात करें, साहित्य की बात करें, कलाओं की बात करें। वो अजय जी ठीक कह रहे थे, हमारी फिल्में कैसी बन रही हैं, हम किन लोगों को हीरो मान के बैठे हुए हैं। हमें बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा तो कहना ही पड़ेगा, और प्रतिनिधित्व का मसला बहुत बड़ा मसला है। देखिए, थोड़ा लोकतंत्र इससे बहाल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर 50% जेंडर के अनुसार आप चले तो 50% अगर महिला नहीं है, थर्ड जेंडर भी है, तो जेंडर वाइज पहले आप प्रतिनिधित्व तय कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, ये आप प्रतिनिधित्व तय कीजिए, तो ये एक कदम होगा। हो सकता है इससे एक नया वामपंथ पैदा हो। और जय भीम लाल सलाम में कोई बुराई नहीं है, अगर लाल सलाम वाले लोग और जय भीम के लोग आपस में मिल के लड़ते हैं तो उनके पास एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टि है और इनके पास एक देसी अपनी अपनी उत्पीड़न की और अपने मुक्ति की एक आकांक्षा है, क्योंकि वामपंथ के जो लोग हैं वो कोई उस तरह से पीड़ित तो नहीं है जिस तरह से जय भीम के लोग पीड़ित हैं। तो एक उत्पीड़ित तबका आए और एक अंतरराष्ट्रीय विश्व दृष्टि वाला तबका आए, दोनों मिलें और आगे बढ़े और हम इन विचारों को फैलाएं। एक कहानी हमको अगर मिलती है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रसार करती है तो हम उसकी विवेचना करें, हम उसकी चर्चा करें, हम लोगों से कहें ये कहानी पढ़ो आप, ये फिल्म आप देखना। लेकिन हम बहुत हास्यास्पद ढंग से कई बार अपने आप को पाते हैं, अगर किसी अच्छे को अच्छा कह दिया जाए तो यहाँ उसको चाटुकार समझा जाता है, प्रशंसा को चाटुकारिता समझा जाता है। क्या ये फांसीवाद नहीं है? अच्छे को अच्छा कहना कहाँ से बुरा हो गया? तो मेरी बातें थोड़ा सा भावनात्मक और बहुत ही आसपास की हो जाती हैं, मैं ये जानता हूं, मैं अपनी सीमा जानता हूं, पर मैं ये जानता हूं कि लोगों को बहुत सरल तरीके से समझाना पड़ेगा और लोग समझ रहे हैं, उनको केवल ये बताने की जरूरत है कि आपको किस तरीके से ठगा जा रहा है। और लड़ाई पूंजीवाद से है, फांसीवाद एक शासन प्रणाली ही है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत सही शशि, और स्कूल में तुम्हारा मास्टर होना सचमुच बहुत अच्छा काम है, और सामान्य सरल कहानियों की समाज को जरूरत है। राम कथा के साथ साथ बुद्ध कथा को फैलाने, भक्ति और प्रेम और सवालों का संसार, जितना भी हम कम्युनिकेटिव तरीके से इस समाज में बना सकें, वो किसी भी राजनीतिक आंदोलन का पहला प्राथमिक, शुरुआती और जरूरी कदम होगा। शुक्रिया।
अपराजित सर के बात पर मैं ये कहूंगा कि सर देखिए कहानियां बहुत ज्यादा हैं। आप ही के समाज में अभी किसान आंदोलन हुआ कि नहीं, बेरोजगारी पर बात हुई कि नहीं, ये बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन वही सोचने वाली बात है जिसको शशि सर बहुत बेहतरीन तरीके से कह रहे हैं, पूंजीवाद। देखिए कहानी, कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पास अपनी कहानी है, यानी कि अरबों लोग हैं सबके पास एक कहानी है, लेकिन कुछ कहानियां कैसे फैल जाती हैं, उनको अब कहानियां पन्नों पर भी लिखी जाती हैं, तो वो पन्ना जो आज के लोकतांत्रिक समाज में क्या है, मीडिया, प्रचार प्रसार की दुनिया, वो किसको फैलाती है, किससे पैसा मांगती है, वो राम पर जितने एपिसोड करते हैं, जितनी बातें करते हैं और एक टेलीविजन चैनल से करोड़ों लोग देख रहे हैं, उतना वो किसानों पर बात नहीं करते हैं। बिहार का किसान चुपचाप रहा जबकि उसके लिए ही बात की जा रही थी। बेरोजगारी पर ये बात नहीं किया जाता कि उसकी जड़ें कहां पर है, ये सारी बातें कहां से आनी चाहिए थी। वो जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म ही कब्जे में है, किसी ने कब्जा कर लिया है, जिसपे दूसरी तरह की बातें आती हैं, वह बातें नहीं आती हैं जो जीवन सुधारने के लिए, आम लोग के जीवन सुधारने के लिए है। नहीं तो कहानियां बहुत बेहतरीन है, हाँ ये हो सकता है कि उसके मैसेंजर खराब हो, लेकिन कहानियां तो इतनी है ज्यादा कि आप गरीबी देखिए, बेरोजगारी देखिए, किसान का मुद्दा देखिए और भी तमाम तरह के मुद्दे देखिए, ये सारी कहानियां और कही जा रही हैं। दूसरी बात मैं ये कहने वाला था, जाति का मुद्दा भारत में बहुत जरूरी मुद्दा है। मतलब आप समझ जाइए कि वो कैसा समाज होगा जहां पर तकरीबन 70% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व बहुत कम हो, ऊंचे ऊंचे पदों पर 1%, 2%, 3%, वो तो अपने आप में असमानता मूलक समाज होगा। लेकिन दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यह है कि वो समाज अपना नेता, क्योंकि लोग तार्किक तरीके से बहुत कम लोग सोचते हैं, वो चेहरा देखते हैं ना पहले, तो किसको चुन रहा है भाई वो समाज। अगर आप तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और तमाम तरह के लोग को चुनेंगे तो जो अंदर के लोग हैं वही लोग कहेंगे जो यादव यादव कहेगा इसको जिताओ, इसको जिताओ, इसको जिताओ, लेकिन वो बहुत दूर तक प्रसार नहीं होने वाला। दिलीप मंडल हर बात में जाति करेंगे तो बहुत दूर तक प्रसार नहीं होने वाला, लोग उसको कभी स्वीकारने नहीं वाले, वो टकराएंगे। हर व्यक्ति अपने आप से एक अच्छा नजरिया, जैसे कि जलेश्वर सर कहते हैं कि व्यक्ति नैतिक होता है, उस तरीके से सोचता है, तो ये सारी चीजें देखेंगे, देखेंगे मैसेंजर कौन है। अब भाई राहुल गांधी को आप मैसेंजर बना देंगे और फांसीवाद से लड़ने के लिए कहेंगे तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, गांधी परिवार को रख के। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि आप देखिए, आप पैसा हटा दीजिए और उसके बाद आप भाजपा को सोच के देखिए, वो जिस तरह की बातें करती हैं और जैसी जागरूकता है लेफ्ट वाले करते हैं, वो पैसा हटा करके एक लड़ाई देखिए, उस लड़ाई में मैं बता रहा हूं खतरनाक तरीके की लड़ाई होगी, और लोग इधर के लेफ्ट के या प्रगतिशील विचारधारे वाले तार्किक रूप से बहुत तीक्ष्ण हैं, लोगों को समझा ले जाएंगे, बता ले जाएंगे, उनके अधिकार बता देंगे। लेकिन जैसा ही वहां पर पैसा आता है तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाता है, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, हटा दिया जाता है, पत्रकार को काम नहीं करने दिया जाता है, सही लोग आते नहीं है, सारा सिस्टम ही क्या हो जाता है, पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। तो यहां पर क्या है, सबसे बड़ी समस्या यहां पर पैसे की है। तो अगर आप इस पैसे को साथ ले जाते हैं तो यही मतलब है कि या तो आप पैसे से लड़िए या अपने आप को नैतिक बनाइए, संवैधानिक मूल्यों वाला दिखाइए, ये दो ही तरह का विभाजन है। मतलब मैं बहुत साधारण शब्दों में कह रहा हूं, बहुत जटिल शब्दों में नहीं कह रहा हूं, फांसीवाद और जो भी शब्द कहे जाते हैं, कि यही दो तरीके हैं, या तो आप उसके पक्ष में खड़े होइए जहां से पैसा एक अन्याय समाज क्रिएट करता है, या आप न्याय के समाज में क्रिएट होइए कि वो चीजें बदले। और एक छोटी सी बात जो अनिर्बार सर ने कही साहेब और उसको लेकर के, उनकी बहुत जरूरी, बहुत ही वाजिब और सही बात है। उसमें होता क्या है कि हम लोग आदतन ये सारी चीजें सीखते हैं अपने समाज और परंपराओं से, और जो व्यंग भी बनते हैं वो सारे हमारे समाज से ही बनते हैं, उनकी तार्किक प्रणाली यही होती है। तो अगर हमें लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि अनिर्बान भाई ने अगर मुझे लगता है कि हाँ अनिर्बान भाई ने ये बात सही की, इसे थोड़ा देखने में या बोलते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो हर एक व्यक्ति को उससे सीखना चाहिए। शुक्रिया। सीवी रमन साहब ने, माफ कीजिएगा मैं बोल सकता हूँ या रविंद्र भाई, सीवी रमन साहब ने मद्रास आईआईटी के स्टूडेंट्स को कहा था जब उन्होंने कंप्लेंट की थी कि 10,000 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी की हमको ज़रूरत है और हमारे पास कुल जमा 1,000 वॉट है, हम कैसे एक्सपेरिमेंट करें। तो सीवी रमन ने कहा कि 9,000 वॉट इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो,
और इसके वो स्वयं प्रमाण थे। उन्होंने कहते हैं कुछ 70-73 किलो का कोई इक्विपमेंट बनाया था जिससे कि नोबेल प्राइज उनको मिला था। तो ये दूसरी लड़ाई तो है ही है कि पैसे के खिलाफ भी हमको कोई तरीका निकालना पड़ेगा। क्या आप सोचते हैं कि कभी भाजपा के बराबर का पैसा या प्रचार तंत्र आपके हाथ में होगा जो आप फासिज्म से लड़ पाएंगे? तो आपको कोई नया तरीका तो निकालना ही पड़ेगा, और मेरा ख्याल है वो तरीके हैं सोशल मीडिया तक, बट मैं फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो प्राथमिक बात ही करूँ कि एक कवि कहता है कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, और ये बात फैल जाती है। गदर नाम का कोई कवि है जो पता नहीं कितना शिक्षित है नहीं है, लेकिन उसकी गज़लें उसकी कविताएं दुष्यंत के शेर बरसों बरस तक लोगों के कान में गूंजते हैं। तो क्या हमारी कल्पनाशीलता ये काम उसको क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप कहते हैं कहानियां हैं, कहानियां बिल्कुल हैं, उन कहानियों को का एक सरल तरीका, एक सरल बात में मैं कन्विंस कर सकूं सामने वाले को, एक औसत आदमी को समझ आए कि हमारे खिलाफ हम किसके खिलाफ बात कर रहे हैं और वो कितना खतरनाक है, उसको क्यों अभी भी वो कन्विंस है दूसरे की कहानी से जिसमें कि बहुत सारे छेद हैं, जिसमें कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और वो राम का भी मिसयूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे मेटाफर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो सरल कहानी हम दे पाएं मुझे ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ऑब्वियसली पैसे और मीडिया पे कब्जे की दिक्कत तो बड़ी है, उससे भी हमको लड़ना ही होगा, लेकिन प्राथमिक बात यह है कि अगर मेरे पास एक सशक्त कहानी होती है तो जैसे एक अच्छी फिल्म वर्ड ऑफ माउथ के दम पे भी काफी हद तक प्रचारित प्रसारित होती है, मुझे लगता है और स्कोप भी निकल सकता है। इस पर तो इरफान सर को बोलना चाहिए कुछ। ऐसा जो है मेरा ऑब्जर्वेशन इसमें खास तौर से जो नागरिक सवाल नैरेटिव अपने आप में एक प्रकार का फासिस्ट स्ट्रैटेजी का हिस्ट्री के साथ चीजों को हकीकत से काट करके केवल विचार और कल्पना के डोमेन में एक तरह के ट्रैप में जनमानस को फंसाए। तो ये इस पहलू के प्रति भी हमें सजग होना होगा कि वे कहानियाँ जो यथार्थ और जनजीवन के जितनी करीब हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं उनमें एक बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी सत्ता की कहानियाँ हैं, वो पितृसत्ता की हैं, राज सत्ता की हैं, धर्म सत्ता की हैं, नैतिकता की बड़ी बड़ी सत्ता की धारणाओं को ही बुना गया है उन नैरेटिव्स में। राहुल संकृत्यायन ने और जो पारंपरिक मार्क्सवादी लोग हैं उन्होंने इस पर पूरा काम हुआ कि कैसे मटेरियलिज्म के ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करते हुए बुद्ध तक को एक्सप्लोर किया गया और उनके उनको रिकास्ट करते हुए नए तरीके से कैसे जो है वो एक नए प्रतिआख्यान को खड़ा किया जाए। तो मेरा मानना है कि नैरेटिव बिल्डिंग चीज के प्रति हमें सजग होना होगा कि वो वास्तविक लड़ाइयों का सब्स्टिट्यूट ना बन जाए, क्योंकि जातियां अपनी अपनी नैरेटिव्स लड़ प्रस्तुत कर रही हैं, उनका हकीकत पिछले 30 वर्षों में हम लोगों ने देखा है। वो वास्तविक भौतिक संघर्ष हैं, लेकिन चूंकि केवल नैरेटिव के लेवल पर लड़ी जा रही हैं इसलिए उनका पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कोऑप्शन में हो गया। एक तरह से वो फासिज्म के द्वारा पहचानवाद, छोटे मोटे विरोध तो कर पाया फासीवाद का, लेकिन वो कोई मुकम्मल प्रतिकार नहीं कर पाया, और इस लिहाज से वहाँ नैरेटिव के प्लेन पर केवल मतलब हाँ जहाँ तक वो नैरेटिव ग्राउंड लेवल पर लोगों के जीवन से जुड़ती हुई सीइंग और एक तरह से एक नई इंटरप्रिटेशन ले आते हैं, जब नैरेटिव को री इंटरप्रेट करते हुए, नैरेटिव इज़ नॉट जस्ट मेक बिलीव बट नैरेटिव इज़ आल्सो इक्वली सीइंग, एंड नैरेटिव इज़ द नरेशन ऑफ द पेन आल्सो, नैरेटिव इज़ द नरेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के सेंस में जब हम नैरेटिव को री इंटरप्रेट करेंगे,
तभी रीस्टैब्लिश होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें कहानियाँ जो अन्य की कहानियाँ हैं, जो अदर्ड की कहानियाँ हैं, जो एक्सक्लूजन की कहानियाँ हैं, वो जितनी ज़्यादा आएंगी वो उस पूरे उसको इनरिच करेंगी। लेकिन असली लड़ाई केवल एक महत्वपूर्ण लड़ाई संस्कृति के स्तर पर, प्रेमचंद ने जैसे कहा था कि संस्कृति की खोल में जो है वो फांसीवाद और साम्राज्यवाद आता है, तो वो प्रेमचंद ने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया था कि किन छद्म आवरणों में सत्ता और तानाशाही जो है वो आती है। और तब उन्होंने बहुत बड़े प्रयास किए। एक भारतीय जनमानस का या जन संस्कृति का अगर कहें, लोक जीवन का एक प्रतिआख्यान उन्होंने प्रस्तुत किया। आज के दौर में उस प्रतिआख्यान की कमी है, ये बात जरूर है साहित्य में और अन्य स्तर पर, लेकिन सोशल मीडिया से एक दूसरी स्टोरी भी सामने आ रही है। ये कंटेस्ट लगातार चल रहा है, मामला इकहरा नहीं है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि ये संघर्ष लगातार चल रहा है, इनको एक दिशा देने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने ओवर द पीरियड मैंने भौतिक तौर पर भी और लड़ाई करते हुए तकरीबन 80-84 से लगातार लड़ते हुए देखा हुआ है कि तर्क और विवेचना के स्तर पर ये बहुत कमज़ोर अपने आप को पाते हैं। इनमें एक किस्म की आक्रामकता, उग्रता और अतार्किकता है जिसके आधार पर ये अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है फांसीवाद, और फांसीवाद के समर्थक वो जातिवादी होंगे, पितृसत्तात्मक होंगे, इन बहुत सारे ऐसे कुंठाओं से ग्रस्त होंगे जिसका कोई आधुनिक वैचारिक आधार नहीं होता है। यदि उन पर एक सुनियोजित तरीके से बौद्धिक जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक अटैक जब होता है तो वो भाग खड़े होते हैं, और ऐसा हुआ है। तो मेरा अपना यही मानना है कि लड़ाई के कई मोर्चे होते हैं, संस्कृति विमर्श और वैचारिकी और नैरेटिव्स और स्टोरी टेलिंग और एक्सपीरियंस शेयरिंग, ये बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन जो उसका जो पॉलिटिकल क्लोजर है वो नहीं होना चाहिए। वही दायरा हो जाए और हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि वो तो इन सब होने के बावजूद भी फांसीवाद आ गया। किसी भी दौर में हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि न देखा हो कि तानाशाही, पितृसत्ता और फांसीवाद के जितने भी लक्षण होते हैं उनके खिलाफ साहित्य और संस्कृति और रचनाधर्मियों ने न काम किया हो। इसके बावजूद फांसीवादी संकीर्णताएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं और वो अपना शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। तो एक प्रोसेस है, फांसीआइजेशन वैसे ही एक प्रोसेस है जैसे कि उसके खिलाफ लड़ाई भी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के बहुत सारे अंतर तत्व हैं। उनमें लीडरशिप और जो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रोल है उसको चिन्हित करके उसका एक प्रारूप सामने आने लगे, जिस समय आ जाता है और कोई आंदोलन उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो ये सारी लड़ाइयाँ एक दिशा ले लेती हैं। मेरा अपना यही मानना है। और मुझे लगता है बहुत समय हो गया है और अब हम लोगों को इसके कंक्लूजन की ओर जाना चाहिए। हमारे बीच में राजीव और ललित जी हैं जो पहली बार आए हैं, और मैं इनसे चाहूँगा कि उन्होंने इस पूरे जो है बातचीत में, अभी जो वक्ताओं ने बोला है लास्ट में नहीं बल्कि कंप्लीट पूरे उन्होंने क्या उसको समझा है और क्या वो समझते हैं कि इस तरह का प्रयोजन होना होते रहना चाहिए। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पिछली बार भी आया था और पिछली बार भी ये फासिज्म के बारे में समझने का मौका मिला, और इस बार भी मैं सर मतलब कुछ ये नोट भी कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलने के लिए तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है सर। कैसा आपको लग रहा है? मुझे मतलब पहले मैं फासिज्म के बारे में इस तरह से कभी थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन हाँ इस तरह से नहीं सोचा था। पहले लगता था कि हाँ ये एक सांस्कृतिक तरह का मतलब आंदोलन तो नहीं कहा जाए, ये सांस्कृतिक क्रूरता का देन है, लेकिन हाँ अब समझ में आया कि हाँ जो फासिज्म आता है उसके पीछे कहीं ना कहीं पूंजी होता है। जैसे पिछली बार हम समझे थे कि हाँ किस तरह से जर्मनी में वहां पर कई कंपनियां थी जो कि मतलब यानी कि ये हिटलर के तानाशाही के दौर में ही उभर के सामने आई थी, उसी तरह से भारत में भी मैं आजकल रिलेट कर पा रहा हूँ कि किस तरह से चाहे वो रिलायंस हो, अडानी ग्रुप हो, तो ये सब किस तरह से यानी कि अपना फैलाव कर रही है और फिर उसमें मतलब यानी कि
एक राजनीतिक शक्ति के तौर पे जो आज का करंट गवर्नमेंट है वो मतलब उन्हें एक मौका दे रहा है, जिससे मतलब एक तरह का शासन हो और शासन के जरिए उनका फायदा हो और वो जिस तरह के लीडरशिप को चाहते हैं उन लोगों को भी, उन लोगों का भी फायदा हो। और फिर जहां तक है कि हाँ इससे लड़ने का जो तरीका है उसका उपाय क्या हो सकता है, तो मतलब कई चीजें हैं जो कि मैंने नोट किया है, तो वो मैं मतलब थोड़ा सा सोचूंगा समझूंगा तब बता पाऊंगा। जैसे मतलब यानी कि हाँ जैसे राम का जो नैरेटिव उन लोगों ने गढ़ा है उसके बरक्स क्या मतलब यानी कि गौतम बुद्ध का नैरेटिव सामने लाया जा सकता है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो ये सब मतलब लग रहा है कि हाँ अगर लोग पॉजिटिव तरीके, जैसे मैं काफी नकारात्मक हूँ आज के दौर में जॉब और इन सब चीजों के कारण, लेकिन हाँ लगा कि अब लग रहा है कि हाँ सिचुएशन ही ऐसा है, क्या किया जा सकता है इससे, मतलब यानी कि पीछा तो नहीं छुड़ाया जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है, तो मतलब यानी कि मेरे लिए काफी सकारात्मक रहा सर। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। ललित जी, जी आप पूछते हैं। ललित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ललित जी समूह में नहीं है शायद। अच्छा हैं। नहीं नहीं है तो, लेकिन आपके बगल में ही है, उन्होंने माइक भी खुला है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज हमारे पास तक नहीं आ रही है, हो सकता है वो बोल रहे हैं। मनोज जी आप ही रखिए जी। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें आई और बेहतरीन बातचीत आई है। जहां तक मुकेश जी और जलेश्वर भाई ने जो पिछले बार से लेके अब तक जो एक हिस्टोरिकल उत्थान से लेके भारत के में उसका स्वरूप और उस पर जो बातचीत की वो बहुत ही बढ़िया है। मैं सिर्फ दो तीन बातें कहूंगा और उसको उदाहरण से कहना चाहूंगा कि आप गौर करेंगे कि अनिर्वन ने एक सवाल उठाया था। बार बार हम लोग जब बातचीत करते हैं मार्क्सवाद के या फिर जो फासीवाद विरोधी मंच जो होगा उसका एक व्यापक स्वरूप की बात करते हैं, क्योंकि फासीवाद से लड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियों का नहीं होगा, लेकिन यह तय होगा कि इसकी लीडरशिप कौन लेगा। और जो एक स्वाभाविक लीडरशिप में आने की संभावना है वो मार्क्सवादी विद्यार्थियों का ही होगा, लेकिन उसका स्वरूप बहुत व्यापक होगा और जिसमें समाज के तमाम जो है बदलाव प्रेमी लोगों का की हिस्सेदारी होगी। तो इस उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहता हूं कि अभी 7 महीने हो गए किसानों के आंदोलन को। आप गौर करेंगे कि बार बार ये चीज किसान मंच से भी बात उठ रही है और यहां तक कि बहुत सारे जो है कम्युनिस्ट साथियों और पार्टियों के साथियों का उनका समर्थन भी है उनको, लेकिन खुले तौर पे मजदूर संगठनों का अभी तक उस तरह का योगदान क्यों नहीं हो पाया है। तो इसके दो कारण साफ नजर आते हैं कि या तो जो पिछले कई वर्षों के इकोनॉमिक पॉलिसीज का हिसाब रहा है, जहां ट्रेड यूनियंस की कमजोरी रही, यहां जब हम देखते हैं कि जहां जिस ट्रेड यूनियंस पे कम्युनिस्ट पार्टियों का हमेशा भरोसा रहा और उन्होंने उसके लिए काम किया, आज वो ट्रेड यूनियंस की स्थिति है वो उसके लिए लड़ नहीं पाए, तो क्या कारण होगा। दूसरा कि आपको 2 साल हो गए लगभग भीमा कोरेगांव से जुड़े साथियों का जो एकदम फासीवादी विरोधी मोर्चे के स्वाभाविक सदस्य है वो जेलों में है। आप पत्रिकाओं में, बैठकों में, पर्चों पे, छोटे मोटे विरोध प्रदर्शनों में उनके साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इन लोगों के लिए कभी कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हुआ कि इनके खिलाफ केस वापस लिया जाए, और उसमें बढ़ चढ़ के तमाम देश के तमाम लेफ्ट पार्टियां क्यों नहीं शामिल हो पाई और क्यों नहीं सड़क पे सतत संघर्ष कर पाए। और स्वाभाविक जो दलितों के सवाल थे जहां से जुड़ाव और एक बड़े वर्ग की हिस्सेदारी स्वाभाविक रूप से बन पाती,
उस सब्जेक्ट को आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा जो सारी जो बातचीत समझ में आती है कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने, यहाँ तक कि कम्युनिस्टों ने अपने को एक रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रतिबद्धता है वो खत्म कर दी है। मुझे तो ऐसा साफ लगता है कि जो कि स्वाभाविक तौर पे स्वयं के अंदर और जिन सवालों पे आप लोगों को गोलबंद करने जाते हैं उनका एक रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ठप कर दी गई। आप उन्हीं सवालों पे लगातार जो है सड़क पे रहते हैं जिस पे समाजवादी पार्टी के लोग भी रहते हैं, बसपा के लोग भी रहते हैं, कांग्रेस के भी लोग रहते हैं। सवाल है कि वो सवाल जो पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ छोटे मोटे चुनावी गणित से जुड़े सवाल हैं उस पे तमाम राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, अब भी वहां तक सीमित होते जा रहे हैं। तो मुझे साफ लगता है कि अगर फांसीवादी बृहत मोर्चा को जगह बनानी है भारत में और उसके लीडरशिप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली मार्क्सवाद को लीडरशिप में आना है तो तमाम पार्टियों और संगठनों को अपना एक रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन की गति को तेज करना पड़ेगा। जनता से जुड़ने की प्रक्रिया, आप तमाम चुनावी मुद्दों पे बातचीत करते हैं और उसी में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इन चीजों पे बहुत जल्दी काम नहीं किया गया तो जलेश्वर भाई का जो डर है कि क्या अगर आप एक दिन ये आपको पता लगे कि आपके वोट के अधिकार छीन लिए गए हैं तो तब जगेंगे क्या, तो शायद वो दिन भी देखना पड़े। एक सलाह के तौर पर ये कहते हैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह ये बैठक चल रही है, जिस तरह ये बातचीत चल रही है, वो जरूरी नहीं है कि जैसे कि कई संभावनाएं होती हैं कि जो स्थापित कम्युनिस्ट पार्टियां भारत में हैं और जब हम ये मान के चलते हैं कि उनका उसमें स्टैग्नेंसी की स्थिति है, कुछ काम कर रहे हैं लेकिन बहुत रूटीन वर्क काम कर रहे हैं। और एक साथी ने तो ये कहा कि जो भाई भारतीय सड़क पे चलने वाली के हिसाब से गाड़ी में तब्दीली की जानी चाहिए और उसको पराठे से चलाई जानी चाहिए। ये सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत बेहतरीन काम नहीं कर पा रही हैं तो इस तरह के समूह जो रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या योगदान दे सकता है, कैसे लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ा सकता है, इसकी संभावना को टटोलना चाहिए। थैंक यू जी, धन्यवाद मनोज जी, आपने बातचीत को एक आगे के स्तर पर ले गए हैं। तो ये एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है जिसपे कि हम चाहें न चाहें लेकिन इस सवाल से टकराना आज की जरूरत है। नहीं टकराएंगे, हमें भी सोचना पड़ेगा, केवल उनके भरोसे ही नहीं कि वही लोग सोचेंगे, ये हमें और आपको भी सोचना पड़ेगा ही, और हम सोच रहे हैं तो ये अच्छी बात है। विजय जी भी अगर अपनी ओर से बात रखें संस्कृति के संदर्भ में देखते हैं। जय जी, जी सर, जी रखिए। जी, शुरू से मुझे इस बातचीत को सुनने का मौका मिला और मेरे मन में जो प्रश्न शुरू में थे मैंने महसूस किया कि वो प्रश्न कमोबेश हम सभी लोगों के मन में हैं कि ये लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी और करना क्या होगा। क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज पे निर्भर रहेंगे तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है और मैकियावेलियन पॉलिटिक्स जैसी चलती है जिसमें सत्ता सबसे अहम होती है, सत्ता प्राप्त होती है, तो इसमें वो जो नफे नुकसान का खेल खेला जाता है तो उसमें वैचारिक चीज़ें बहुत हद तक उन पे उनके साथ हमको समझौता करना पड़ता है। तो जब कोई आंदोलन खड़ा होता है वो धीरे धीरे एक वैचारिक आधार से तो खड़ा होता है लेकिन धीरे धीरे वो फिर किसी न किसी पॉलिटिकल जो बने बनाए खांचे हैं उनमें अपने आप को फिट करने की कोशिश में उन्हीं चीज़ों में शामिल हो जाता है जिनका वो विरोध करता आया था। तो मन में ये बहुत डरावनी चीज़ है, जैसे जलेश्वर जी ने भी कहा कल को आपके वोट चल जाए तो क्या होगा। और जब मैं संस्कृति की तरफ देखता हूँ तो संस्कृति को ऐसे प्रस्तुत किया जाता रहा है कि आइडिया ऑफ इंडिया को बढ़ाने के लिए थिएटर ऑफ रूट्स की कल्पना की गई अपने एक नेशनल थिएटर की खोज में।
तो वो नेशनल थिएटर हमको मिलेगा हमारे देहात में, देहात में मतलब हमारी फोक परंपराओं में, और फोक परंपराओं में मिलेगा तो वो वैसा ही रहना चाहिए जैसा वो है। इसको वैसे का वैसा बनाए रखने का मतलब है कि वो सवाल नहीं पूछेगा, वो कंटेम्प्रेरी नहीं होगा और वो वहीं रहेगा, तो कैसे होगा। हालांकि कुछ हमारी थिएट्रिकल परंपराओं में ज़रूर ये चीज़ें हैं कि वो, क्योंकि थिएटर तो हमेशा समकालीन ही होता है, बिना समकालीन हुए तो कोई भी थिएटर बन ही नहीं सकता। लेकिन राज्य का जी, आपके माइक में शायद कोई, विजय जी आपके माइक में शायद कोई दिक्कत है। माइक निकाल लीजिए, पूरा अपरेटस माइक अगर निकाल लेंगे तभी होगा, क्योंकि आपके माइक से ये हो रही प्रॉब्लम। मैंने माइक हटा दिया, आप ठीक है। हाँ, तो राज्य का जो पूरा अपरेटस है वो तो चीजों को यथा स्थान पर बनाए रखने में ही लगा रहता है। तो शुरू से ये सवाल मन में उठता ही आया है हमेशा कि ये लोग जो नेता हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हम ही लोगों में से आगे बढ़ के लोग उन जगहों पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही ऐसा क्या हो जाता है कि उनका चरित्र बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। और फांसीवाद जो कि एक गाली है पॉलिटिकल, वो किसी न किसी रूप में प्रिवैलेंट रहती है। और ऐसी शक्तियां जो सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़ें, जो लोकतांत्रिक तरीके से समान समाज में एक समानता समतामूलक समाज की स्थापना करें, ऐसी शक्तियां क्यों नहीं अपने आप को एसर्ट कर पाती हैं, ये प्रश्न से मैं हमेशा ही जूझता रहा हूं, सोच में हूं, आप लोगों को सुनता रहता हूं। कोई ना कोई हल इसका ज़रूर निकलना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। तो हालात चिंताजनक तो हैं ही, लेकिन फिर मुझे लगता है वो कब चिंताजनक नहीं थे, ऐसा कब था कि सब कुछ ठीक था। तो ये एक संघर्ष तो सतत है, और ऐसे संघर्ष में मैं थोड़ा बहुत भी कहीं शामिल हूँ, इतना संतोष तो फिलहाल मैं कर सकता हूँ, फिलहाल तो यही कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद। हमारे बीच में अनिल जी हैं, अनिल जी बोकारो से हैं और बीच में यहाँ इंद्रापुरम के थे गाजियाबाद में, तो आप जो है अपनी बात रखिएगा। साथ में मैं बता दूँ कि अनिल जी के बारे में जो मुझे लगता है कि आपने जो है एक तरह से पहले समझ लिया था कि समाजवाद जो है करीब करीब भारत में उसको कैसे लागू किया जाएगा या कैसा रूस का समाजवाद है। मैं बीच में टोक रहा हूं, मुझे एक इस पूरे डिस्कशन के दौरान एक बात बार बार मन में आती रही कि इन सब हमारे डिस्कशंस में जो अलग अलग चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जितने अधिक हम ला सकें, आज जैसे इस पूरे डिस्कशन में एक भी फीमेल वॉइस नहीं है, महिला नहीं है कोई, इस चीज का थोड़ा सा मुझे महसूस होता है कि आए थे, दो आए थे लेकिन वो उन्होंने देखा और गंभीर बहस देख के चले गए वो। अच्छा सर जी, हाँ अनिल जी, अनिल जी कहाँ गए? हाँ अनिल भाई, अनिल जी आप सुन पा रहे हैं? अनिल जी का नेटवर्क निकलता है कि फिर दोबारा उन्होंने चेंज किया है, तो हम लोग हमारे पास मूल वक्ता ही रह गए हैं, तो हम लोग वहां से फिर करके इसको कंक्लूड करते हैं। आजाद जी अभी कुछ रखेंगे? आजाद जी आजाद जी आजाद जी माइक ऑन करिए। आदित्य भाई अब आप रखिए सर। जी सर, बहुत गंभीर बहस है, इस पर कुछ बोलता हूँ तो डर लगता है कुछ बेवकूफ़ी ना कर दूँ, आप लोगों से बहुत छोटा हूँ। एक चीज़ मेरे जहन में आई जो मैं रखना चाहता हूँ, अगर कोई एक ऐसी आवाज़ है जिसके बारे में कहा जाए कि सपोज भारत के किसी भी कोने में अगर किसी व्यक्ति की नौकरी ना लगे तो वो रवीश कुमार के शो में आना चाहता है। किसी भी इस तरह की समस्या हो, किसी की नौकरी ना लग रही हो, किसी की परीक्षा का
रिजल्ट ना आ रहा हो, तो वो रविश कुमार के शो में आना चाहता है, जो कल जब हम चर्चा कर रहे थे तभी इस व्यक्ति ने कहा था ध्रुव राठी हैं, आकाश बनर्जी हैं, उनके शो में शशि थरूर ने बड़े अच्छे से कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मतलब बिना गांधी चेहरे के बड़ा अजीब सा फील महसूस करती है, उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो कोई भी मतलब अगर कहें कि कम्युनिस्ट नेता या मार्क्सिस्ट नेता, इस तरह से एक भी ऐसा वक्ता कैसे संभव है पूरे देश में, जो है ही नहीं, जो जिससे लोग कहें, जिससे लोग गुहार लगाएं कि मेरी नौकरी लगवा दो, जो कि रवीश कुमार जैसा एक व्यक्ति जो कि सिर्फ एक पत्रकार है, उसका ये काम नहीं है, लेकिन उस तक मतलब वो ये काम कर पा रहा है। उसके अगर शो में कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो लोगों के नौकरी लग जाती है। मैं बोल रहा हूँ 2% से ही, 5% ही, बट एक उम्मीद वहाँ से जगी है। रवीश कुमार जो कि मात्र पत्रकार है, नहीं पता किस आइडियोलॉजी का है, सेंट्रिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट, ऑब्वियसली नहीं है, नहीं पता, लोकतांत्रिक है ये ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि पूरी इतनी बड़ी पार्टी है, और अभी जो बंगाल में चुनाव हुए थे तब मैं देख रहा था कि कितने सारे शायद CPIM के नेता जो हैं वो BJP में भी चले गए थे। इस तरह के लोग आज के समय में 2021 में 7 साल ये सब देखने के बावजूद भी ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोग अभी भी भरे हुए हैं इस तरह की बेहतरीन सोच वाली पार्टियों में, और हम अभी भी उनको पार्टियां देख नहीं, पहचान नहीं पा रही हैं कि ये लोग पूरी तरह से अपॉर्चुनिस्ट हैं। मौका मिलेगा तो पता नहीं क्या करें। और एक जो बात जलेश्वर जी ने रखी थी कि सपोज वोटिंग राइट खत्म हो जाए तो क्या होगा, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अभी मेरे ख्याल से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, पता नहीं अच्छे अखबार बायर में थी या स्क्रॉल में थी, कि जितनी भी जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं किसी बाहरी कंट्री में सेटल हो जाना, वो बाहरी कंट्री में सेटल हो रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, बिकॉज लोगों को वाकई में ये उम्मीद है कि हो सकता है कि 2024 में के बाद चुनाव ना हो। और ये एक तरह से प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होना चाहिए, ज़रूरत क्या चुनाव की, क्योंकि जैसे जैसे साहू जी एक राजा थे, तो साहू जी राजा थे वो बड़े अच्छे राजा थे, तो अगर राजशाही भी आ जाती दिक्कत राजशाही और कौन सा वाद आने वाला है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ वो लोगों की भलाई के लिए कितना काम कर रहा है इससे फ़र्क पड़ता है। अगर राजा डेमोक्रेटिक ढंग से लोगों को लेके साथ लेके चल रहा है तो राजशाही में भी दिक्कत नहीं है। तो साहू जी ने रिजर्वेशन पे अच्छा खासा काम किया था जबकि राजा थे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से जब तक वही पहले ही बात हो चुकी है, प्रतिनिधित्व तो जब तक नहीं आता है कम्युनिस्ट पार्टियों से तब तक विचारधारा वाइज तो सब कुछ सही है, लेकिन जब तक प्रतिनिधि नहीं आएंगे, आवाज़ सामने बोलने वाले नहीं आएंगे, जैसे मैं आज बस एक रैंडम एक ऐसे आर्टिकल लिख रहा था कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारे क्या ऑप्शन है आज की डेट में, जो बड़े ऑप्शन है जिनको चेहरों को लोग जानते हैं, तो क्या एक ऑप्शन है प्रशांत भूषण, 1 रुपए के लिए वो कोर्ट में लड़ गया बंदा, रवीश कुमार एक बहुत ऑप्शन है, रवीश कुमार इसलिए मैं बोलता हूँ, सपोज जैसे मैं बस एक हाइपोथेटिकल बात है, सपोज चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो लोग बोलने लगेंगे कि यार भाई ये तो सारे इसलिए पत्रकार क्या करते थे क्योंकि इनको तो एक ना एक दिन चुनाव लड़ना ही था, बोलेंगे लोग, लेकिन वो तो शायद गांधी नेहरू से भी बोलते होंगे ना उस वक्त कि ये सो अल्टीमेटली ये इंडिया का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे इसलिए करते होंगे, ये बातें उस समय होती होंगी, ये हमेशा होती है, कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, लेकिन खड़ा होता है तो वो एक तो अपनी वाक क्षमता के आधार पर नरेंद्र मोदी जैसे किसी भी फिगर से टक्कर नहीं सकता, बिकॉज बाकी नेताओं में तो दम नहीं है, बाकी किसी भी जो जितने भी नेता हैं उनकी वाक क्षमता इतनी अच्छी नहीं है। मैं एग्जाम्पल हूँ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से तो बहुत बेहतर बोलते हैं, इतना मैं मानता हूँ, भले कितने ही कई बार इडियोटिक से लगते हैं, उनका एक अजीब सा पॉज रहता है बोलते वक्त, जिससे लगता है कि वो जिससे उनका पप्पू नाम पड़ा वो अजीब से कुछ पॉज ले लेते हैं, समझ में नहीं आता क्यों ले रहे हैं, लेकिन आप अगर बाकी लोगों की वाक क्षमता के आधार पर, शशि थरूर एक नाम है, शशि थरूर लेकिन वो विदेश मंत्री ज़्यादा लगते हैं, वो लगते ही नहीं है जो देश की बात, जब देश को जिस तरह से बात वो करना चाहिए तो नहीं लगते। तो इस तरह से जो जाने माने चेहरे हैं, क्या उनसे ये जो पार्टियां हैं मार्क्सवादी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो ऑलरेडी चेहरे जो बन चुके हैं, क्या उन चेहरों से ये पार्टियां बात कर सकती हैं कि आप हमारे नेता बनिए,
एक मिनिमल जो प्रोग्राम होता है कि हम इन बातों पर सहमत हैं उसको रख के क्या ऐसा हो सकता है जो ऑलरेडी जाना पहचाना चेहरा है उसको शामिल किया जाए, उनको मिला के एक चीज एक ग्रुप बनाया जाए, क्या ये संभव है? मैं बस ये कहना चाह रहा था, शायद कुछ बेवकूफाना लगे तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। हेलो 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 अनिल, आप अपनी बात कहिए। हाँ नमस्कार, ये बोलना ये था कि ये डिस्कशन में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत शिक्षा वर्धक, ये सुनाई दे रहा है क्या आप लोग? फर्स्ट क्लास जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ वो क्या है कि हम लोग को क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि जनता को लगे कि वामपंथ ही जो है देश को सुखी बना सकता है। हेलो हेलो हेलो, आप बोलते रहिए, रुकिए मत, बोलते जाइए। हाँ हाँ हाँ, जब पुअर कनेक्शन आ गया था तो इसीलिए बोल रहे थे कि अभी जो है सरकार चाहती है कि गरीबी और बढ़े, हमको लगता है ऐसा ही, ताकि सस्ते में मजदूर मिल जाए, जो मिट्टी काटने वाला जैसे कोई बगान में काम करने वाला है किसी, 200 रुपया 300 रुपया उसको मिलता है। मैं दो तीन बात कहना चाहता हूं अगर अनुमति हो। ऊपर आइए अनिल जी, ऊपर आइए, मैंने भेजा भी आपको, दोबारा नीचे चले गए आप। अनिल जी ऊपर आइए, अनिल जी आपको इनविटेशन भेजा उसको एक्सेप्ट करके ऊपर आइए। अनिल जी उनका नेटवर्क बार बार जा रहा है क्या? हेलो अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैंने आपको इन्विटेशन फिर भेजा, आप नीचे चले गए हैं, शायद आपके यहाँ नेटवर्क पर प्रॉब्लम है, बाहर जाके फिर आइए अंदर। अब चर्चा को समेटा भी जाए, 3.5 घंटे हो चुके हैं, मतलब मोर देन 3.5 घंटा। पटवाल जी, अनिल जी का शायद नेटवर्क गड़बड़ है, आप देख लें। हाँ नहीं, आप करिए, मेरा भी नेटवर्क थोड़ा चला गया था। मैं ये कह रहा था कि हाँ। मुकेश भाई कुछ बात कह रहे थे ना, कहें। नहीं, मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहता था, वैसे तो कई साथियों ने कह ही दी है कि एक बात तो ये है कि वामपंथ के सामने नैरेटिव की प्रॉब्लम नहीं रही है, और अभी हम लोगों को लगता है 3-4 दशक से कि ऐसा है, लेकिन तमाम समुदायों में वामपंथ के लिए अट्रैक्शन पैदा हुआ था और उसकी वजह थी, और अट्रैक्शन नहीं रहा उसकी भी वजह है, और हम लोग अधिकांश लोग उसको जानते भी हैं। दो बातें मैं सिर्फ उसमें कहना चाहूंगा। एक तो क्वेश्चन था कि सिर्फ जैसे उमेश जी ने बोला था कि आर्थिक नैरेटिव बहुत अच्छा है, लेकिन 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 अगर आर्थिक नैरेटिव ही है सिर्फ, तो वो अच्छा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम मजदूरी बढ़ाने की या बोनस बढ़ाने की या ये करने की मांग कर रहे हैं तो BMS भी करता है, तो ये अपने आप में आर्थिक मांगे वामपंथी नैरेटिव बनता ही नहीं है। जब तक ये आर्थिक मांगे तमाम उत्पीड़ित समुदायों के मुक्ति की चाह के साथ कैसे जुड़ती हैं, अगर उसका कोई ठोस रूप नहीं है, तो आर्थिक, सिर्फ आर्थिक लड़ाई के लिए बीएमएस
एटक या सीटू से ज्यादा उपयुक्त है मजदूर के लिए। तो वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। एक तो अभी मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, समय बहुत हो गया है। और दूसरी बात है कि वामपंथी आंदोलन कभी संवैधानिक दायरे में रहने से वामपंथी आंदोलन नहीं रह जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदूक उठा ली जाए, इसका मतलब है कि जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो किसान आंदोलन हो रहा है संवैधानिक दायरे में नहीं हो रहा है, किसी ने उनको अनुमति नहीं दी है कि यहां बैठो, वो बैठे हैं अपनी बात के लिए अड़े हैं। तो जब से वामपंथी आंदोलन संवैधानिक दायरे में जैसे जैसे आने लगा, वैसे वैसे लोग उससे कटने लगे। नहीं, अगर एक दिन जाके कहीं धरना दे देना है, एक दिन प्रदर्शन करके चले आना है, तो ये तो कैडर का आंदोलन हुआ ना, ये जनसंघर्ष नहीं हुआ। जनसंघर्ष का सवाल तो यही है कि किसी बात को लेके हम किसी जगह जहां जितनी ताकत है कहीं पे उसके लिए अड़ना शुरू करेंगे। और मैं किसी एक की आलोचना या वो नहीं कर रहा हूं, ये पूरे आंदोलन का सवाल है आमतौर पर। तो अगर हम किसी बात के लिए अड़ते नहीं, सिर्फ एक बार बोल के चले आते हैं या फिर इतने दिन बाद नोटिस देंगे तब हड़ताल करेंगे, इस व्यवस्था में भी देखिए लड़ाइयां लड़ी गई हैं, स्वतः स्फूर्त ढंग से लड़ी गई हैं। 2015 में बेंगलोर की जो महिला मजदूर जब निकल आई थी तो 1.5 दिन के अंदर सरकार झुक गई थी, क्योंकि उन्होंने कोई अनुमति नहीं मांगी थी, उन्होंने निकल के पूरे शहर को बंद कर दिया। बस कोई नेतृत्व नहीं था, कोई संगठन नहीं था, कोई यूनियन नहीं थी। 1.5 लाख महिला मजदूर थी छोटे 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 कपड़ा कारखानों की, और उनको लगा कि ये हमारा पैसा लूट ले जाएंगे सारे पीएफ के सवाल पर, और वो बाहर निकल आई और सरकार 1.5 दिन के अंदर झुक गई। किसान लोग बैठे हैं। तो अभी विस्ट्रोन में कुछ महीने पहले 5,000 मजदूरों ने निकल के पूरा फैक्ट्री को तोड़ दिया। आखिर में गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, मानना पड़ा कि हाँ उनके साथ अन्याय हो रहा था, उन्होंने कोई अनुमति नहीं मांगी, सीधे उनको दिखाई दिया कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम किया और पैसा अब भी नहीं मिल रहा है। तो सीधे उठ के उन्होंने बगैर यूनियन के, बगैर संगठन के, बगैर नेतृत्व के उन्होंने, तो ये एक स्पॉन्टेनियस साइड है। ये बात भी उठी थी और जलेश्वर जी ने कहा था जैसे जैसे आर्थिक संकट बढ़ेगा ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं इन स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ने के लिए? जो हमारा कैडर बेस्ड प्रोटेस्ट है वो स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट के साथ मिलेगा तो जनता को आकर्षित करेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट की एनर्जी और ये कैडर प्रोटेस्ट का जो वैचारिकता है, ये दोनों एक साथ मिलेगी तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो राजनीतिक प्रोटेस्ट रहता है, राजनीतिक चर्चा रहती है, जो नैरेटिव रहता है, वो नैरेटिव जो जनता के बीच में हमारे पिछले 30-40 साल की चुनावी राजनीति के गठजोड़ से, जैसा शशिकांत जी ने शुरू में ही कहा था, डिस्क्रेडिट हो गया है। हम बोल रहे हैं कि वामपंथी हैं, लेकिन हम पूंजीवादी सरकार के साथ रहते हैं। हम वामपंथी हैं लेकिन हम नवउदारवादी आर्थिक नीतियां जो जनता को लूट रही हैं उनके साथ भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनके साथ खड़े होने में भी। तो ये जो डिस्क्रेडिट हुए हैं हम, ये डिस्क्रेडिट को से बाहर निकलने का तरीका यही है कि हम वामपंथी हैं, हमारा कहना ये है, इस बात के लिए हम खड़े होंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे, उसमें कांग्रेसी आए, उसमें सपा वाला आए, उसमें बसपा वाला आए, हम उसको अनटचेबल नहीं मानेंगे, लेकिन उसके साथ जाने के लिए हम अपने स्टैंड को नहीं छोड़ेंगे। जो स्टैंड हमारा और नैरेटिव हमारे पास है, भगत सिंह ने क्या कहा था उसके साथ, आज तक लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, राहुल सांकृत्यायन, और जहां तक बाकी साहित्य और संस्कृति की बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन साहित्य और संस्कृति में चीजें तभी आती हैं जब जनसंघर्षों से जुड़ती हैं। अगर कागज नहीं दिखाएंगे और ये पिछले साल बहुत बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं आई, तो वो इसलिए आई कि एक संघर्ष था, एक जनसंघर्ष था जिसमें लोग जुड़ रहे थे, और उस जुड़ाव से हमने देखा कि नए गीत, नई कविताएं जिसके साथ तमाम लोग अपने आप को जोड़ सकते थे वो निकले। अगर हम जनसंघर्षों में जाएंगे तो ये उसमें जाने वाले लोग ही इसको निकालेंगे, क्योंकि वो जो एनर्जी है
इस किस्म की चीजें लाने की, वो तभी मिलेगी जब हम लोग उन लोगों के बीच में, जन आंदोलनों के बीच में होंगे जो जो आंदोलन स्वतः स्फूर्त शुरू होंगे, लेकिन हम उसके बीच में तुरंत जाके वहां खड़े होंगे और उनके साथ डटे रहेंगे। सिर्फ एक भाषण देने के लिए या कुछ देर नारा लगाने के लिए, एक दिन के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि जब हम जाके इस स्वतः स्फूर्त विस्फोट में डट जाएंगे तो ये दोनों का मिलन से ये काम होगा। और लास्ट बात ये है कि पार्टियों से को हमने कहते रहना चाहिए, सही बात है, लेकिन ये दबाव इस किस्म के नीचे से उभरते हुए, मतलब जो हम बहुत सारे लोग पार्टियों से भी जुड़े हुए नहीं है लेकिन इस विचारधारा से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं और हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए, उन सब लोगों को और पार्टियों के अंदर भी मैं देखता हूँ, मैं हम लोग पिछले एक डेढ़ साल से कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं बीच में लॉकडाउन की वजह से, तो मैं देखता हूँ कि विभिन्न पार्टियों में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये रास्ता निकले। तो इसके लिए हमें जगह जगह, एक तो सोशल मीडिया पे या क्लब हाउस पे करने के आगे, हमें जहां जहां हम लोग हैं, हम लोगों को जितने वामपंथी लोग हैं उसको पार्टी और इसके बाहर निकल के उनको एक्चुअल फिजिकल ये चर्चाओं में उतरते हुए बगैर उसकी कोई सेक्टेरियन लाइन लगाए आपस में वहां निकलना पड़ेगा और ये दबाव नीचे से बनाना पड़ेगा जैसे विमल जी ने कहा था। तो वो दबाव हर स्तर पर नीचे से क्रिएट करना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा कि भाई ये रियल डेंजर है कि नहीं, आप इसको मानते हो कि नहीं। अब मानते हो तो फिर, अगर मानते हो तो आप कैसे एक संयुक्त प्लेटफॉर्म पे आने से मना कर सकते हो? अगर आप मानते हो कि फासिज्म का डेंजर है और जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप संयुक्त प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे, इसका मतलब आप लड़ना नहीं चाहते हो। तो ये दबाव, ये एक वैचारिक मॉरल दबाव नीचे से बनाना पड़ेगा और उन लोगों को फोर्स करना पड़ेगा कि इस पे आए। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे और ग्रुपों में भी बातचीत की है, साउथ में, डिफरेंट स्टेट्स में, हम लोगों ने जब से ये कुछ लोगों ने मिलकर ये ट्रुथ और यथार्थ निकालना शुरू किया था, लोगों ने इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों से बात की है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी ग्रुप में ये बात कर रहे हैं, तमाम जगह ऐसे 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 ग्रुप्स में देश के कोने कोने में लोग ये बात, वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी जो स्वतंत्र लोग हैं और जो डिफरेंट पार्टीज में भी नीचे ग्राउंड पे जो लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं वो ये सब बातें कर रहे हैं। ये एक आइडिया को हम लोग ठीक से मेहनत से आगे बढ़ाएंगे तो ये डेफिनेटली एक फोर्स बनेगा और बनना चाहिए, मुझे तो ये उम्मीद है, क्योंकि जो बात मैंने पिछली बार भी कही थी कि भारत का फासिज्म इतने में भी कैपेबल नहीं है जितना हिटलर और मुसोलिनी जो ने जो अच्छे दिनों के वादे किए थे उनको थोड़ा थोड़ा कुछ हद तक पूरा करने की स्थिति में थे। भारत का फासिज्म, आज का फासिज्म, भारत का नहीं कहना चाहिए, 21वीं सदी का जो आर्थिक संकट है, विश्वव्यापी संकट है, उसमें फासिज्म इसको उससे भी बहुत कम दूर तक पूरा करने में कामयाब है, बल्कि कहना चाहिए कि उससे एक्चुअली जो कहता है उससे बिल्कुल उल्टा करता है। तो ये संकट लोगों के जीवन में भयंकर तरीके से बढ़ने वाला है, खाद्य पदार्थों की महंगाई खास तौर पे बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है। अगर कॉरपोरेट पूंजी कृषि में आएगी तो वो खाद्यान्न उगाने में उसको प्रॉफिट नहीं है, वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाएगी, वो एथेनॉल बनाने के लिए उगाएगी, और ये जो आज खाद्य तेल में और दालों में और इन चीजों में हो रहा है ये हम लोग देखेंगे कि तमाम चीजों में होगा। ये जो मैनेज्ड प्राइस मैनिपुलेशन है मोनोपोलीज का, ये तमाम जगह पे होगा। बेरोजगारी की स्थिति हम देख रहे हैं, ये बढ़ेगी, तो ये तमाम चीजों को लेके जनता में असंतोष होगा ही होगा, वो राम का नैरेटिव और इसको रोक नहीं सकता है। क्वेश्चन है कि क्या इस असंतोष के साथ हम लोग एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बना के खड़े होंगे। निश्चित रूप से जो बात मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं कि एकदम हो जाएगी, लेकिन जैसा जलेश्वर जी ने कहा कि एक साल दो साल 2024 के पहले हमें कोशिश करके ये करना चाहिए। और ये जो जो भौतिक
जीवन का परेशानियां हैं वो लोगों को लड़ने के लिए बाध्य करेंगी। सवाल वही है जो साथी जलेश्वर जी ने कहा कि क्या हम लोग उसको दिशा देने के लिए वैचारिक सांगठनिक रूप से कुछ तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम करेंगे तो वो स्पॉन्टेनियस संघर्षों को निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे, चुनौती दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रमोद भाई, अब मुझे लगता है कि समय भी बहुत हो गया है और मुझे मुकेश जी ने इसको एक कंक्लूजन भी दे दिया है। स्थितियों को जलेश्वर जी ने भी जो है काफी कुछ स्पष्ट कर दिया था और मनोज जी ने भी इसके संकेत दिए थे, तो उसको कंक्लूड हम लोग करते हैं इस पे। करें कंक्लूड। जी जलेश्वर जी। हाँ ठीक है, वो बात आ ही गई जो मैं कह रहा था। वो सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है कि मुकेश भाई ने कहा भी, मैं वो पहले भी दोहरा चुका हूँ कि हालात अच्छे हैं हमों के लिए, जनसंघर्षों के लिए। जनसंघर्ष के लिए तो आंदोलन होंगे ही होंगे, जनता दबाव में है, जितना दबाव बढ़ेगा संकट उनका कम नहीं होने वाला, एकदम निश्चिंत मानिए। जनता कब तक राम रोटी खाएगी मुश्किल है, राम की रोटी अब चलेगी नहीं, तो हमें उस स्थिति के लिए तैयार करना ही पड़ेगा हर हाल में। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने नेताओं को कांध पकड़ के समझाइए, बहुत हो गया नौटंकी, अब नहीं चलेगा। तो इसलिए उम्मीद है कि और हम अगर ये कर पाए तो हिंदुस्तान के, बाकी मैं भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान के पास उतना दम नहीं है कि वो हिटलर मुसलमान 10-15 साल टिक पाए। बस यही था, अब आप लोग देखिए खत्म करें आप। बात खत्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आमतौर पे 30-40 मित्र लोग इसमें शामिल थे, जो अंत में जो लगभग 20 मित्र थे वो आमतौर पे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो आगे के इस तरह के रविवारीय बैठक में अगर हर मित्र अपने इसी तरह के समसोची दो तीन मित्रों को इसमें शामिल कराएं और इस बातचीत को और बेहतर नए लोगों तक पहुंचाएं और उसको और समृद्ध करें तो शायद बेहतर होगा। तो ये आग्रह है। सभी को धन्यवाद, अब विदा लेते हैं। जी जी, इरफान जी कुछ बोले नहीं हैं और ललित जी नहीं बोले हैं और सुरेंद्र जी तो अभी बहुत लेट हो गया हमको आते आते भी, तो हम लोग आजाद जी भी नहीं बोले हैं ना कुछ, तो लेकिन रह गए इतने टाइम बाद। ठीक नहीं था इरफान, अगर दो लाइन में खत्म करें फिर रूम बंद करें। ठीक है, फिर हम लोग इसे फॉर्मली बंद करते हैं चर्चा को और अगले हफ्ते किसी टॉपिक के साथ, हम लोग नए टॉपिक के साथ जिसपे और भी ज्यादा लोग आ सकें, क्योंकि ये थोड़ा सा एक मुद्दा स्पेसिफिक था जिसमें कि कहीं कंक्लूजन की बात हम ले जा रहे थे, तो दूसरा मुद्दा उसमें आ सकते हैं जैसे मनोज जी कह रहे हैं, तो उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं जो रिलेवेंट टॉपिक होगा उस पर रखें। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता था कि इसको अगर ओपन ही रखते हम लोग तो क्या दिक्कत थी? नहीं ठीक है, अभी तो प्रयोग किया था इसका, पहले इसको ये मैं फैसला लिया गया था गूगल मीट में कि हम लोग इसको क्लोज में रखेंगे क्योंकि उसमें फिर कई लोग आते ही हैं, तो अभी इसको रख सकते हैं ओपन आगे से, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना एक 15-20 लोगों का अगर एक सर्कल रहता ही है तो उसके बाद हम इसको ओपन कर सकते हैं, 50-60-100 लोग भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत। फैक्ट्रियां बनती है तो विस्थापित होते हैं लोग, तो उनको लेकर के भी एक टॉपिक रखा जाए, कहे कि ये हमारा बोकारो एरिया में विस्थापित लोग बहुत हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो भी एक समस्या है, जरूर हम उस पर विचार करें। मैं विष्णु जी एक ये कह रहा था कि अभी अगर बहुत सैद्धांतिक बात करेंगे ना तो ओपन नहीं चल पाएगा, मेरा ये है, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे जिनको इस टाइप का वो डिस्कशन पसंद नहीं होते, मतलब हजम नहीं होगा, तो
तो अगर बहुत सैद्धांतिक मेरी भी यही राय है कि बहुत डीप सैद्धांतिक बातचीत को क्लोज में करें, लेकिन हम लोग ये रास्ता भी ढूंढें कि उसी बातचीत को आम सरल भाषा में ओपन फॉर्मेट में कब कैसे किया जाए और उसकी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। और इसी तरह जब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, लोगों के बीच नहीं जाएंगे, तो जो मैं कह रहा था कि बातों को सरल भाषा में कैसे हम आम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये भी रह जाएगा। तो ये सही है, इसलिए जरूरी था ना ये वाला क्लोज रखना, क्योंकि मनोज जो की जो भी है, अगर आप बाहर के लोग स्पीकर में नहीं लेकर के आते हैं, अगर स्पीकर तीन चार लोग रहे गंभीर लोग, वो तो ठीक है विष्णु भाई, वो ठीक है विष्णु भाई, आप जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो इसमें जो है ये वाला था ना, इसमें जो है अगर हम जैसे कि हम मतलब हमारे अंदर भी हो सकता है कि असहमत हो जाती है, और जो है और जानते ही हैं कि वामपंथियों में तो बहुत तरह के चीजें होती हैं, बात होते होते कहाँ पहुंच जाती, तो इसलिए क्लोज था भी ठीक था। बाद में जब ये इस तरह के डिबेट लगा कि जो है इसमें कहीं ना कहीं मोटा मोटी सभी लोग जो है इस बात को लेकर एक सहमत हैं और 19-20 का ही फर्क है, तो हम इसको आगे जो है खुल के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, और वो ठीक है, वक्ता उनको नहीं रखेंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जब हम लोग अभी तो 2-3 हफ्ते हुए, थोड़ा सा और मत जाएं, तो हमको भी एक औषध आ ही जाएगा कि कैसे सबके सामने अपनी बात खुल के कायदे से कही जाए, ताकि वो कन्विंसिंग भी हो, लोगों को असर भी करें। अभी नए नए हैं तो अभी सिद्धांत जो है ना तो दिमाग में घूमता रहता है, तो उसको थोड़ा सा और मान लें, और अभ्यास निश्चित तौर पर ये आएगा कि हम सबको खुला भी रखेंगे और सबको बोलने का मौका भी देंगे और फिर चलेंगे, ऐसा नहीं है, मैं यही कह रहा जी। ठीक है पहले से पता रहे कि पहले से सेंसिटाइज करके करना होगा कि अगर खुले के लिए कर रहे हैं तो जो बोलने वाले साथी हैं उनको सेंसिटाइज करना होगा कि वो ये खुले के लिए कर रहे हैं, इसमें क्या दायरा रहेगा, जहां क्लोज्ड रूम में हम लोग गहरी डिबेट में जाना चाहते हैं वो पहले से पता होना चाहिए, तो मैनेज किया जा सकता है दोनों को। अभी जो हालात है उसकी उसको थोड़ा सोशली पॉलिटिकली एड्रेस करने की एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग में अगले हफ्ते की हम बातचीत रखते हैं, और उस कमरे को खोल कर रखते हैं तो हमें एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये शाम हैंडल कैसे हो रही है, फिर उस अनुभव के आधार पे आने वाले समयों में उस कमरे की बुनावट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम राय अपनी बनाते रहें।